झारखंड में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों की माने तो ज्यादातर विधायक चाहते हैं कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने। बता दें कि झारखंड में महागठबंधन के विधायकों की बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित अन्य नेता मौजूद रहे। नवनिर्वाचित विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक में शामिल हुई। दरअसल सत्ता पक्ष के विधायकों की मीटिंग में मुख्यमंत्री पद के लिए हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बनी है। इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई है कि हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के सीएम बन सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राज्य में नेतृत्व में परिवर्तन की संभावना है। यह बैठक महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक यहाँ जमे हुए हैं। बुधवार को 1500 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने सहित मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अचानक रद्द किए जाने से इन अटकलों को बल मिला। मंगलवार को भी उनके सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी पार्टी ने हमें बुधवार को इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में शामिल होने के लिए कहा था। विधायक ने कहा कि यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन को इस वर्ष के अंत में होने वाले चुनावों के लिए अपनी रणनीति तैयार करनी है। कांग्रेस की झारखंड इकाई के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी यहां बैठक में मौजूद रहे। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बैठक का एजेंडा राज्य में सियासी घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री के अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और भाई बसंत सोरेन भी बैठक में भाग ले रहे हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके करीबी सहयोगी चंपाई सोरेन को राज्य की बागडोर सौंपी गई थी। चंपाई ने 2 फरवरी को राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।